नमस्कार, मैं डॉक्टर बलराम यादव। मैं इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ मार्बल सिटी हॉस्पिटल किशनगढ़ अजमेर में एज ए इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आप सबको वर्ल्ड हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे। दोस्तों, हम बात करेंगे आज हार्ट अटैक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हार्ट अटैक हमारे देश में और विश्व में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इससे होने वाले मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो आज हमारी चर्चा का विषय है हार्ट अटैक के क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इससे होने वाली मौत और उसको रोकथाम के क्या उपाय कर सकते हैं। हम सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो एक पंप की तरह काम करता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए जरूरी है और हमारे पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसमें हार्ट में धमनी हार्ट की धमनियों में रुकावट की वजह से हमारा हार्ट अटैक मेन कारण होता है। जो रुकावट है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ने की वजह से हमारे हार्ट की धमनी की रुकावट बढ़ जाती है। तो हम बात करेंगे कि एथेरोस्क्लेरोसिस और उसके क्या कारण है और हार्ट अटैक के क्या कारण है। तो एक के बाद एक बाद हम देखेंगे। सबसे पहला है, हम बात करेंगे हाइपरटेंशन यानी बीपी ज्यादा होना। बीपी ज्यादा होने की वजह से हार्ट की धमनी की अंदरूनी दीवारें हैं उनमें इंजुरी होती है, नुकसान होता है, वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं और एथेरोस्क्लेरोसिस और कोलेस्ट्रॉल की जमाव के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन लोगों को लंबे टाइम से ज्यादा बीपी रहता है वो लोग ज्यादा प्रोन होते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए और हार्ट अटैक के लिए। तो हमारा यही मकसद है कि बीपी हम कंट्रोल करें ताकि एथेरोस्क्लेरोसिस कम कर सके और हार्ट अटैक को कम कर सके। अन्य कारणों को देखें तो इसमें डायबिटीज है। डायबिटीज होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा जिन लोगों को मोटापा होता है या ज्यादा ओबेसिटी होती है वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस का। इसके अलावा हम देखें तो हमारा खाना, अगर हमारे खाने में अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है एथेरोस्क्लेरोसिस के बढ़ने के लिए और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाने के लिए। दोस्तों, जिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं और ज्यादा टोबैको च्यूइंग करते हैं उन लोगों को भी हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल नॉर्मल पीपल। इसके अलावा जो लोग ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में एल्कोहल का सेवन करते हैं उन लोगों को भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा जो लोग कम शारीरिक एक्टिविटी करते हैं वो सब भी इसके लिए एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए प्रोन होते हैं। तो हमने देखा है ये बहुत से कारण हैं जिनके वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट की धमनी की रुकावट होती है और हार्ट अटैक बढ़ जाता है। अब बात करेंगे हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं। देखो, हार्ट अटैक होने से हमारे सीने में बहुत बहुत तीव्रता से दर्द होता है। ये दर्द हमारी जबड़े से लेके अपर पार्ट एब्डोमन के अपर ऊपर वाले भाग तक हो सकता है। ये दर्द हमारे गर्दन में हो सकता है, हमारे दोनों भुजाओं में हो सकता है, पीठ में हो सकता है। सीने में दर्द के अलावा आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपको उल्टी जैसा लग सकता है, उल्टी आ सकती है और आपको आपकी धड़कन तेज हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और बेचैनी, घबराहट, ये सब तकलीफें हो सकती हैं। आपको जैसे आपको ऐसा अगर ऐसा लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसे रोक दें और बिल्कुल ना घबराएं और जो भी आपके आसपास हेल्प के लिए हो उन्हें बुलाएं और जल्दी से जल्दी आपको नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं और वहां पे मेडिकल ऑफिसर या डॉक्टर को दिखाएं और जल्दी से ईसीजी कराएं और इलाज चालू करवाएं। दोस्तों, हम बात कर चुके हैं लक्षण की और हार्ट अटैक के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या इसको रोकने के उपाय कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए हमारे जीवन शैली में कुछ सकारात्मक बदलाव करने चाहिए, जिनमें सबसे पहले हमारी डाइट।
हमारा खान पान, हमारे खान पान में ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करें और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रोग्रेस को कम करें। तो इनमें आपको ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, नट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सब के अंदर आपको ज्यादा फाइबर होता है और कम कैलोरी वाला कम कैलोरी होती है। इन सब की वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है और एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना कम हो जाती है। तो ये सब आप ज्यादा सेवन करेंगे तो हम हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें वो खाना कम खाना चाहिए जिसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे जैसे दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, घी है, चीज है, ज्यादा प्रोसेस किया हुआ फूड है, ज्यादा बार यूज किया हुआ ऑयल है, ये सब में ज्यादा मात्रा में सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो ये हमें कम से कम खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। वो चीजें खानी चाहिए जिसमें ज्यादा मात्रा में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। जैसे जैसे हम ऑयल में देखें, सेफ्लावर ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, वनस्पति ऑयल है, मूंगफली ऑयल है, ये सब में कम मात्रा में सेचुरेटेड फैट होता है और ज्यादा मात्रा में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ज्यादा मात्रा में आपको नट्स और ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की मात्रा ज्यादा होती है। बाकी इसके अलावा हम हमारे खाने में कम से कम मात्रा में नमक का सेवन कर सकते हैं। नमक उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पहले से हाइपरटेंशन है, जिनको पहले से हार्ट की बीमारी है। उन लोगों को नमक की मात्रा कम करने से एथेरोस्क्लेरोसिस कम होता है, बीपी की संभावना कम होती है और स्ट्रोक की संभावना भी कम होती है। तो जितना कम मात्रा में आप नमक करेंगे उतना ज्यादा बेहतर कंट्रोल होता है बीपी का और एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोग्रेस की संभावना भी कम हो जाती है। इसके अलावा हम नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम एक मॉडरेट एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं, जैसे कि रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांसिंग स्विमिंग कर सकते हैं। ये कम से कम आधा घंटा रोज और सप्ताह में 5 दिन करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बहुत से फायदे हैं। जैसे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और उसकी मात्रा कम हो जाती है, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है, आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होता है और आपकी डायबिटीज भी ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होती है। तो रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, आपके हार्ट के लिए नहीं बल्कि अदर ऑर्गन्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरा है स्मोकिंग करना और टोबैको च्यूइंग करना, ये हमारे हार्ट के लिए नहीं बल्कि मस्तिष्क के लिए भी बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। तो हमें कम से कम अगर अवॉइड करें तो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्विट करना चाहिए स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग। और हमें अल्कोहल भी मिनिमम मात्रा में या नहीं करना चाहिए, अल्कोहल का सेवन भी नहीं करना चाहिए, वो भी एक एक तरीके से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ाने में के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा हम और एक बात करें तो मानसिक तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसको जनरली हम इग्नोर कर देते हैं, पर वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से एथेरोसिस बढ़ता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। तो हमें उसके मानसिक तनाव कम करने के उपाय ढूंढने चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम हमारी फैमिली के साथ देना चाहिए, रेगुलर योगा मेडिटेशन करना चाहिए और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो और एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक की संभावना कम हो। आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिए और आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर का लेवल कराते रहना चाहिए ताकि हम टाइम से इनका कंट्रोल कर सकें और फ्यूचर में होने वाले एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक को कम कर सके। तो अंत में मेरा यही कहना है कि हमें हमारे जीवन शैली में सकारात्मक चेंज करना चाहिए, हमारी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और डॉक्टर की किए हुए एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप स्वस्थ रहें, अपने हार्ट को स्वस्थ रखें और हार्ट अटैक से बचें। थैंक यू।